देखिए, आज जो भाजपा ने जो साजिश रची थी, वो साजिश को लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में वो बेनकाब हो गए। उनके पास न मेजोरिटी थी न कुछ था। वो चाहते थे लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते थे। हमारे पास तो 49 का बल है, लेकिन हमारा आज प्रूफ 47 हुआ, लेकिन एक हमारे विधानसभा अध्यक्ष और एक हमारा जो है बीमार है रामदास बाबू। लेकिन कैसी साजिश थी आप ये देखिए, और कितना जोश और खरोश था हमारे विधायकों में। ये चाहते थे कि विधायकों को डरा दें, धमका दें, किसी को अपमानित करें, प्रताड़ित करें, फंसा दें, कोई अप्रिय घटना घर करके ये राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाना चाहते थे इस राज्य को। लेकिन ये जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई ये लोकतांत्रिक सरकार है, मजबूती के साथ ये खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी, और आगे आने भी समय में ये सरकार फिर बनेगी। देखिए, आज जो फ्लोर टेस्ट था, जो हम लोग ने सोचा था वही हुआ है। पहले दिन से हम लोग जब समर्थन देने के लिए राज्यपाल महोदय के पास गए थे, साफ शब्दों में कहीं झूठ का नहीं, हम लोग बोले कि 43 सिग्नेचर है और 47 हमारा संख्या बल है, और दो जो है नहीं आ सकते, मतलब स्पीकर एक थे और एक हमारा जो MLA है झारखंड मुक्ति मोर्चा को बीमार है, किडनी ट्रांसप्लांट होगा। आज बहुमत वही साबित हुआ, 47-29। मंत्रिमंडल के विस्तार बहुत जल्दी। जो लोग लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हैं, संविधान को तार तार करने पर तुले हैं, उन लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा है कि हमारा लोकतंत्र भी जिंदा है, और चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये इस तरह की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। ये आदिवासी राज्य है, आदिवासी मूलवासियों को इस तरह से ये कुचलना चाहेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। आज इनके मुंह पर करारा तमाचा दिया है यहाँ के लोगों ने, यहाँ के माननीय चुने हुए जो हमारे विधायक गण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बता दिया कि आप कितना भी चाह जाओगे इस राज्य में कि जैसे और राज्य में सफलता मिलती आए, इस राज्य में कभी सफल नहीं होंगे, चाहे कितनी भी पिछले दरवाजे से कोशिश कर लो। और आने वाले दिनों में जनता इन्हें बाकुल जवाब देगी, एक एक सीट के लाले पड़ेंगे इन्हें। जनता ने अब ठान लिया है, जनता सब कुछ समझ चुकी है कि ये समाप्त करना चाहते हैं यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूल वासियों को, इस तरह की साजिशें रचकर, इस तरह का षड्यंत्र। बीजेपी वो पता चलेगा, वो उन्हें पता चलेगा कि कौन रबर स्टाम्प है और किसका खात्मा होने जा रहा है, ये भी पता चलेगा बहुत जल्द। सतर्क रहना, उसी सतर्कता के चलते हम लोग वहां गए थे, और कोई बात नहीं था हम लोग में कोई फूट नहीं। लेकिन ये झारखंड के लिए आज गर्व की बात है कि और प्रदेश के नेता झुके, माननीय गुरु जी का बेटा जो हम झारखंड के गांधी, झारखंड के निर्माता ने झारखंड को आज एक अच्छा मुकाम दिलाया कि झारखंडी झुकने वाला नहीं है। ये एक अच्छा मैसेज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में गया। हेमंत जी ने सदन के अंदर में कहा कि जिस तरह से आदिवासियों को दबाने की कोशिश की जाती है बीजेपी की तरफ से, की गई है और सरकार को गिराने की कोशिश की। देखिए, अगर आदिवासी से उनको प्यार रहता तो देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता? राष्ट्रपति। उनको आप क्यों नहीं ले गए? नई लोकसभा जो आप बनाए वहां आप उसको ले गए, ने रामलला में आप उनको ले गए, कहीं नहीं ले गए। तो ये तो अब एक आंदोलन गुरुजी ने 72 से शुरू किया था, दूसरा आंदोलन हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अब एक आंदोलन और होगा। अब हर झारखंडी जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी है, उनके मान सम्मान में ठेस पहुंचाया है और सब आक्रोशित हैं। अभी आगे अब क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर आप मेरी राय लेंगे तो बिल्कुल होना चाहिए, और एक साल 11 महीना बचे हैं मात्र, पार्टी आलाकमान को देखना है। मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, MD डॉक्टर हूँ, पेशे से चिकित्सक भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, तो एक हमारा समाज भी है, 18% हमारी आबादी भी है, जी। उसको कैश करिए, वोट करिए,
इधर उधर ना हो तो जवाबदेही मिलनी चाहिए। बातें चल रही है, आला कमान विचार कर रही है, कहाँ कहाँ कब तक। अब हमारे आला कमान हमारे प्रभारी महोदय ने भी कहा था कि चारों मंत्रियों का परफॉर्मेंस सही नहीं है, हटाए जाएंगे। तो अब आला कमान को देखना, अब आला कमान को देखना है कि किस पर दाव लगाती है। भावुक होके निकले हैं सीएम यहाँ से, वो आएंगे, हमारे राम आएंगे।